नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में एक मानव और पशु के बीच की एक प्रेम, एक संबंध की, एक मानवता की और एक पशु और मानव के बीच की प्रेम के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मनुष्य अलग अलग पशु और प्राणी को हमारे घर पालते हैं, क्यों कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो उन दोनों के बीच जो प्रेम होता है, मानवता हमारी होती है और पशु का भी जो अपने मालिक के प्रति जो वफादारी होती है, वैसी एक कहानी वफादार प्राणी की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुत्ते की वफादारी, कुत्ता बिल्ली अलग अलग पशु पक्षी हम हमारे घर पर पालते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, तो ऐसे एक कुत्ते की कहानी को बताया गया है। तो हम कक्षा 7 में कुत्ते की वफादारी, कहानी में कुत्ते ने जो अपने मालिक के साथ जो वफादारी की उसकी बात को बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हम कुत्ते की वफादारी के पाठ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करें तो एक लाखा बंजारा होता है, जो बंजारा पुराने जमाने में यहां से वहां, वहां से यहां माल ले जाने का और लाने का काम करते थे। वो बंजारे लाखों का व्यापार करते थे, जो वो बंजारा था वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसका नाम लाखा बंजारा था। और ये घटना पाटन जिले, गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर तालुके की बात कही गई। राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, वहां एक लाखा बंजारा था और वो यहां से वहां माल लेकर आता था और लाखों का व्यापार करता था। लेकिन समय की बात करें तो एक समय उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और वो व्यापार में मार खा गया। उसको बहुत पैसे की जरूरत पड़ी, तो पैसे के लेने के लिए वो एक पाटन राधनपुर से शहर में एक जो बड़ा व्यापारी था, जो सेठ थे, उनके पास पैसे लेने के लिए वो गया। पैसे लेने के लिए गया तो वो सेठ ने बोला कि मैं आपको पैसा तो देता हूं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ वस्तु देनी पड़ेगी। लाखा बोला, मेरे पास कुछ वस्तु नहीं है। तो सेठ ने बोला, आपके पास ये कुत्ता है, उस कुत्ते को आप दे दो। तो लाखा बंजारे के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने कुत्ते को दे दिया। समय ऐसा हुआ कि कुत्ते ने मालिक की ऐसी वफादारी की कि मालिक को एक दिन उसके घर चोर आए और बहुत सारा माल, लाखों रुपये का माल वहां से ले गए। कुत्ते ने वो सब देख लिया और जब देखा तो एक घंटे में उन्होंने वो माल को डाल दिया। कुत्ते ने देखा, फिर अपने मालिक के पास आया, सेठ के पास आकर सेठ को पकड़ कर ले गया और सभी माल जो जितना भी माल उसने वहां खड्डे में डाले में डाला था, वो सभी माल उसने वहां से लेकर अपने सेठ को वापस कर दिया। सेठ खुश हो गए, उन्होंने वफादारी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और एक पट्टी बनाकर, एक चिट्ठी बनाकर कुत्ते के गले में डाल दी और कुत्ते को बोल दिया कि आप अब जा सकते हो अपने मालिक के पास। वहां से बनना ऐसा था, कुत्ता अपने मालिक के लाखा बंजारे के पास जा रहा था। वहां लाखा बंजारा भी अपने पैसों की जो संकट थी वो हो गई थी, तो वो अपने मालिक को देने के लिए आ रहा था, वो सेठ को आदमी देने के लिए आ रहा था। तो लाखा ने देखा कि वो कुत्ता आ रहा है, लाखा ने कुछ भी सोचे बिना, उसको ऐसा लगा कि उसने मेरे साथ गद्दारी की है कुत्ते ने, उसने कुछ भी सोचे बिना एक दो लाठी मारकर वो कुत्ते को वहां पर मार दिया। जब कुत्ता मर गया तो उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी और चिट्ठी को उसने पढ़ा तो उसको बहुत अफसोस हुआ। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि लाखा तुम्हारे जो कुत्ता है उसने मेरे साथ बहुत अच्छी वफादारी की, उसने मेरे लाखों का माल वापस करवाया है, उसने बहुत वफादारी की, इसलिए मैं आपको ये कुत्ता यहाँ से रिहा करता हूँ। तब लाखे को बहुत बड़ा दुख हुआ और वो अपने कुत्ते के प्रति बहुत दुखी हुआ और फिर कुत्ते की वफादारी को देखकर उसने राधनपुर नाम के गांव में एक जो तालाब है वहां पर कुत्ते की वो समाधि बनवाई, एक मंदिर बनवाया, वो समाधि, वो मंदिर आज भी जीवन है। वो कहानी को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
देखेंगे और समझेंगे। कुत्ते की वफादारी, ये पाठ लिखा है लल्लू भाई रबारा। लल्लू भाई रबारा ने ये पाठ लिखा है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहां एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। हमको भी बहुत आश्चर्यता होगी कि कुत्ते की समाधि होगी। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। देखिए, पुराने जमाने में व्यापार का काम, सामान ले जाने का काम बंजारा करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांव का वहां सामान लादकर शहरों में लाता था और वहां से मिश्री गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले जाता। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे में खड़ा होकर रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक कर उनके भौंक भौंक करके उनको धूप कर देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उनकी जरूरत पड़ी। वह राधनपुर के शेठ के पास गया और तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो कुत्ता था, बहुत वफादार था। वो लाखे बंजारे के पास था और लाखा उसको अपनी रखवाली के लिए उसको रखा। लाखा लाखों का व्यापार करता था। एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार और माल ले जाने का काम करता था। लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसको लाखा बंजारे का नाम कहते थे। वो गुड़ मिश्री ऐसी सब चीजें यहां से वहां पहुंचाने। तो वो कुत्ता उसको वफादार था। कोई बार चोर ऐसे कोई चीज आती थी उसके जो पड़ाव के पास, तो कुत्ता उसको भौंक भौंक कर वहां से भाग करवा देता था। तो एक बहुत और महान ऐसे कुत्ता था और लाखा बंजारा भी उसकी बहुत अच्छी पाल रखवा देता था। एक बार लाखा को व्यापार में बहुत घाटा हुआ तो उसको नुकसान हुआ, तो वो पैसे के लिए सेठ के पास गया। बाजार में एक सेठ के पास गया। नगर में सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुमको दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवी रखोगे। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास कोई कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जवान पर विश्वास रखे, मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी रकम सूद समेत एक साल में दे चुका। तो लाखा को वो मालिक ने बोला, सेठ ने बोला कि लाखा मैं आपको पैसे तो दे दूंगा लेकिन आप मुझे क्या गिरवी रखोगे आपके पास। तो लाखा बंजारा बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जब भी रुपये आएंगे तो आपको सूद सहित दे दूंगा। तो एक अपरिचित शब्द है। सूद का मतलब है ब्याज। ब्याज के साथ में आपको वो दे दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम मुझे इसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तो मैं कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने बोला कि लाखा, तुम बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है, ये कुत्ता मुझे दे दो। जब आप अपने पैसे लौटा दोगे तब मैं आपको ये कुत्ता भी लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने के, मगर कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। रुपये लेकर वहां चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ ने यहां चोरों ने डाका। क्या हुआ कि बंजारे को पैसे की बहुत जरूरत थी, तो बंजारे ने बोल दिया कि कोई बात नहीं है, आपने बोला है कि आप कुत्ता दे दो, तो उसने वह कुत्ता दे दिया। पैसे लेकर वहां से वो निकल गए। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया था और वहां से वो 9-2-11 हो गए।
नौ दो ग्यारह हो जाना। उसका मतलब होगा भाग जा। चोरों ने सेठ के वहां से बहुत सारा माल की चोरी कर दी और चोरी करके वो शहर के माल जाकर एक जगह पर इकट्ठा डाला और उसमें सब माल उन्होंने सब गाड़ दिया और माल डाल के वहां से नौ दो ग्यारह यानी वहां से भाग गए। कुत्ता वहां बहुत भौंक कर सेठ के बताने लगा कि उधारे आपकी जुबान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ को हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह जाना। उसका जवाब आएगा आश्चर्यचकित हो जाओ। जब बंजारे के जो कुत्ता था उसने देखा वो सब माल जो वहां से लेकर वहां से भाग गए और एक खड्डा उसमें सब माल डाल दिया, उस कुत्ते ने देख लिया। फिर कुत्ता वहां अपने मालिक के पास गया, सेठ के पास गया और सेठ को पकड़कर वहां ले गया और जब उसको वो माल दिखाया तो मालिक ने देखा तो मालिक भी हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। वाह, ये कुत्ते ने कितना मेरा बड़ा काम करवा दिया, कितना मेरा बड़ा नुकसान होने वाला था वो मुझे वापस करवा दिया। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छुपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की किसी का कोई बात नहीं रहा, वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। मुग्ध होना यानी खुश हो जाना, मुग्ध। कुत्ते की वफादारी को देखकर वो खुश हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग गया। देखो क्या हुआ कि जब चोरों ने सब माल एक खड्डे में डाल दिया और वहां से नौ दो ग्यारह हो गए, तब वो सब कुत्ते ने देख लिया। कुत्ता वहां से दौड़ा अपने सेठ के पास गया और सेठ को पकड़कर धोती पकड़कर वो खींच कर लेके आया। तब सेठ भी हक्का बक्का हो गया। जब सेठ को पकड़कर लाया और वहां जो खड्डा उन्होंने किया था वहां पर जाकर अपने पैरों से वहां से जो मिट्टी थी उसको खिसकाने लगा और खिसकाने उसको देखा तो वहां से वहां लाखों का माल जो चोरों ने लेकर ले लिया था वो उसने वहां पर पाया। सेठ बहुत खुश हो गए। उन्होंने विचार किया कि ये कुत्ते ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, मेरा लाखों का जो व्यापार, मेरा लाखों का जो माल था वो चोरी होते हुए उसने बचा लिया। फिर सेठ घर पर गए, कुत्ते का बहुत शुक्रिया अदा किया, उसकी वाह वाही की। फिर कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांध कर लिखी कि कुत्ते आपने मेरा जो लाखों का माल जो चोरी होते हुए बचाया है तो आपको मैं अपने मालिक के पास रिहा करता हूँ। कुत्ता भी वहां से खुश हो गया और खुशी में इधर लाखा ने व्यापार में खूब रुपया कमाया। वहां पर कुत्ता जो सेठ था उन्होंने कुत्ते को वहां से रिहा कर दिया। यहाँ पर बात हुई कि लाखा के व्यापार में ज्यादा रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दुख से कुत्ते को अपने ओर आते देखा और नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जवान काट ली।
अविश्वास कर देंगे। जवान प्राची है, उसने बेवफाई की है अपने शेख को, क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने आगता देखा लताब देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आग न देखना ताल न देखना, आग न देखना ताल न देखना, यानी बिना सोचे समझे काम कर देना। आपने देखा ताप ने देखा लाठी का प्रहार कर दिया, कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी, उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटे दिए है, अतः कुत्ते को मैं वहां मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। मुक्त, मुक्त यानी रिहा। स्वयं, स्वयं यानी खुद। तो लाखे ने बोला कि मैं उसको मुक्त कर रहा हूं। तो लाखा वहां से आ रहा था, सेठ को अपना जो माल था वो बहुत उसने लाखे ने व्यापार किया था, तो वो व्यापार के पैसे देने के लिए सेठ को लेने के लिए जा रहा था। वहां कुत्ता भी अपने मालिक से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन लाखा ने देखा कि कुत्ता आ रहा है, तो उसने कोई भी सोचा नहीं। उसके मन में ऐसा हुआ कि कुत्ते ने उसके साथ बेवफाई की है, उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया है, और उसकी जो जबान थी वो उसने काट ली है, उसने अविश्वास किया है। फिर लाठी ने कुछ न देखा, कुछ सोचा नहीं, आम न देखा ताव न देखा, और लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ते को वहां पर वो जगह पर उसने ढेर कर दिया, कुत्ता मर गया। फिर उसने देखा कि कुत्ते के जो गले थे उसके गले में उसने पट्टी बांधी हुई देखी, पट्टी में उसने लिखा हुआ पढ़ा, तो सेठ ने लिखा था कि लाखा, आपके कुत्ते ने मेरा लाखों का व्यापार का जो माल था वो सब मुझे वापस करवा दिया है, और आपको दिए गए पैसे को वो पैसे उसने ब्याज सहित मुझे वापस कर दिए है, तो मैं उसको मुक्त कर रहा हूँ यानी रिहा कर रहा हूँ। वो स्वयं उसको रिहा किया। तब लाखा ने देखा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये बहुत गलत काम कर दिया है, कुत्ते को मैंने मार दिया। लाखा को चकित हो गया, चकित हो जाना यानी अवाक हो जाना, चकित हो गया, चकित। लाखा चकित हो गया, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, और कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूक फूक कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुप गई है। लाखा ने देखा कि उसने कुत्ते को मार दिया, फिर चिट्ठी को देखकर उसने बहुत पछतावा शुरू हुआ। उसने देखा कि अब पछतावे क्या हो गया, वो ये कहावत है, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुप गई है। अब पछतावे करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो हो गया सो हो गया। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि मंदिर बनवाया, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे खड़ा है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार सुन रहा है। समाधि, समाधि यानी स्मारक। आज भी संसार, संसार यानी पूरा विश्व जग, तो कुत्ते को जब गिर गया कुत्ता, कुत्ता मर गया, तो लाखा उसको घुट घुट कर रोने लगा, कह रहे कि कुदरत ने ये क्या कर दिया है, जिस कुत्ते ने मेरे साथ वफादारी की थी, मेरे साथ अच्छा काम किया था, उसको
शव था उसका जो जो उसका देह था उसको लेकर वो रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा है भगवान मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन फिर उसने उस कुत्ते की समाधि बनवाई और वो समाधि यानी एक स्मारक बनवाया और वो स्मारक वो हरे हर घड़ी पूजा करने लगा। और वो राधनपुर नाम के एक छोटा सा गांव है पाटन जिले में, वहां पर उसकी एक समाधि तालाब के किनारे आज भी है। तो विद्यार्थी मित्रों हमने ये कहानी पढ़ी एक कुत्ते की वफादारी के बारे में। लाखा बंधारे ने वो सेठ को कुत्ते को दिया, सेठ को ला कुत्ते ने बहुत बड़ा घाटा होते हुए बचाया। फिर वो कुत्ता अपने मालिक से रिहा, मालिक के पास जाता था, मालिक ने उसे मार दिया और लाखा को बड़ा पछतावा हुआ। वो कुत्ते ने अपने मालिक के साथ जो वफादारी की उसकी बहुत अच्छी एक कहानी है कुत्ते की वफादारी। तो आपको ये कहानी को फिर से एक बार पठन पठन करना है, उसको समझना है और उसको समझ के अपने लेसन को क्लियर करना है। तो मैंने जो आप मेरे मुझे विश्वास है मैंने आपको जो ये कहानी बताई उसको आपको पता चला होगा और उसको आप समझेंगे और उसका पठन करेंगे और उसको अपने व्यवहार में भी समझेंगे और वफादारी के बारे में भी आप एक गुण प्रदान करेंगे और समझेंगे। इसीलिए आपको ये कहानी को इस तरह से पढ़ना है। जय राधा।